धन दोस्तों एक ऐसी चीज है हमारे जीवन में जिसकी भूमिका हमारे जीवन में जितनी ज्यादा हो उतनी ही कम लगती है, क्योंकि आज का महंगाई का दौर, अत्यधिक मात्रा में खर्चे, कुछ जायज कुछ अननेसेसरी, किस कारण से होते हैं, क्यों होते हैं, कुछ रीजनों पे बात करेंगे और किस प्रकार से धन पर नियंत्रण किया जा सकता है, धन को घर में रोका जा सकता है, क्योंकि जितने स्पीड से धन आता है उतनी ही स्पीड से घर से जाने में भी सामर्थ होता है। ऐसे क्या कारण रहते हैं, आज के ये हमारे विषय रहने वाले हैं। विषय पर आगे बढ़ते हैं। मैं अंशुमन शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल ज्योति साधना केंद्र यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। आप लोगों से एक छोटा सा आग्रह निवेदन, आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गौ माता की जरूर लिखिएगा। आप हमें अपना प्रश्न भी भेज सकते हैं, हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का उत्तर देने में हम समर्थ हो पाए। चलिए दोस्तों विषय पर आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आज का जो वक्त है, इस वक्त में धन एक ऐसा विषय बन चुका है कि जिसके बगैर शायद जीवन संभव नहीं है। परंतु दोस्तों बहुत से ऐसे भी विषय हम अपने जीवन में देखते हैं कि धन बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी किसी काम नहीं आता है। तो भगवान से प्रार्थना इतनी ही करनी चाहिए कि जो हमारे घर के सभी कार्य को कर पाए, और ऐसे वक्त में जब धन की जरूरत हो तो हमारे पास इतना हो कि हमारा वो कार्य हो पाए। खर्च अत्यधिक क्यों होते हैं, छोटी छोटी सी चीजें हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, और प्रयास रहेगा कि आपके जीवन में आप इन उपायों के माध्यम से धन को स्टॉक कर पाए। दोस्तों हमने कहावत सुनी भी है और शायद बहुत से लोगों को सुनाई भी होगी कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है लेकिन गरीब मर जाना शायद इससे बड़ा कोई गुनाह ना है ना हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत ना करने की वजह को दर्शाता है। पर यह भी सही नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में प्रयास करता है पर वो जहां तक हो पाता है कि वो घर के खर्चों में ही बंद कर रह जाता है। कारण क्या रहते हैं दोस्तों, देखिए हमारे जीवन में हम डेली रूटीन में कुछ चीजें यूज करने वाले, जैसे कि पानी। अब पानी की जितनी आपके घर में बर्बादी होगी, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, टंकी को भरते समय टंकी अत्यधिक मात्रा में चलती रहती है जिससे पानी की बर्बादी होती है। शायद कुछ टूंटियों में भी दिक्कत होती है, नल में खराबी होती है, पानी टपकता रहता है, तो ये आपके घर में आपके धन के बर्बाद होने का एक प्रमुख कारण है। आप जल्द से जल्द इसको सही करवाइएगा और देखिएगा आपके जीवन में परिवर्तन आया। दूसरा हमारा दोस्तों आपको बताने का कारण है झाड़ू, जिसको हम घर में डेली लगाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है कि झाड़ू को लक्ष्मी की संज्ञा हमारे पूर्वजों ने दी है, तो इसको जहां तक हो सके सुरक्षित रखना चाहिए, ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए, और खासकर ऐसी जगह पे कभी भूल कर भी ना रखें जहां पर बाहर से आने वालों की इस पर नजर पड़े। तो इसको ऐसी जगह पर रखिए केवल आपकी दृष्टि ही इस पर रहे, तो ये कार्य भी आपके घर में आपके पैसे में वृद्धि करेगा, और कभी भी पैड़ी के नीचे झाड़ू को ना रखें, खासकर जूतों के साथ ये गलती आप ना करें। तीसरी दोस्तों अगर बात की जाए अननेसेसरी चीजें, दोस्तों जीवन में हमारे हर एक उपकरण अपनी पूर्ण भूमिका निभाता है, पॉजिटिविटी की भी और नेगेटिविटी की भी। अगर खराब है तो उसका प्रभाव नेगेटिविटी पूरे परिवार पर रहेगा, आप पर भी रहेगा, आपके धन पर भी रहेगा। अगर वो ठीक है तो उसका प्रभाव पॉजिटिव रहेगा। आप किसी नेगेटिव चीज के सामने डेली जाइएगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये आप खुद प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको फर्क नजर आ जाएगा। जैसे कि फोन, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ी हुई चीज, वो फ्रिज भी हो सकता है आपके घर में, कोई ट्यूब भी हो सकती है, लाइट हो सकती, पंखा हो सकता है, एक्स वाई जेड दोस्तों, यदि कोई भी आपके घर में ऐसी चीज है जो अननेसेसरी खराब अवस्था में पड़ी हुई है, तो जल्द से जल्द आप उसको अपने घर से निकाल दीजिएगा, आपके घर में धन की वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। अब बात की जाए दोस्तों घड़ी की, घड़ी एक हमारे ऐसा जीवन में है जो अपने टाइम के माध्यम से
पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रभाव देती है। अगर इसको पूर्व और उत्तर की दिशा पे लगाया जाए तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देती है। आप करके देखिएगा, रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और दोस्तों अगर ये खराब पड़ी हुई हो तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में लेके जाती है और आपको ज़्यादातर पीछे ही पीछे धकेलती है, आगे नहीं लेके जाती है। खराब हो या फिर ठीक, केवल वही घड़ी आप अपने घर के अंदर रखिएगा जो आप यूज में कर रहे हैं। अननेसेसरी घड़ी को, चाहे वो हाथ की हो चाहे वो दीवार की हो, आप अपने घर में उसको मत रखिएगा, उसे बाहर निकाल दीजिएगा। और एक चीज का बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा, घड़ी आपकी अक्सर 5 मिनट या 2 मिनट आगे हो, कभी भी टाइम टेबल से पीछे ना हो, तो ये आपके जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। अब बात करते हैं सुंदर उपाय की, कि जिससे आप अपने जीवन में सुंदर परिवर्तन कर पाए। सर्वप्रथम उपाय रहेगा दोस्तों हमारा, आज के मौसम में जो चल रहा है, गन्ने का वृक्ष। गन्ने से गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनती है, पर दोस्तों इसकी जड़ बड़े काम की चीज है। यदि आप उसको वीरवार के दिन या शुक्रवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में 12 से 1 के बीच में यदि आप इसको गंगा जल, दूध और पंचामृत से स्नान करवा के, फिर शुद्ध जल से स्नान करवा के, तिलक हल्दी सिंदूर चावल से इसका पूजन करके अभिजीत मुहूर्त में, जो कि 12 से 1 बजे के बीच में होता है, इसको प्रतिष्ठित करके और माँ लक्ष्मी का इसके अंदर आवाहन करके, आप इस पीले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में बांधकर 5 हल्दी की गांठ और 5 सुपारी, इसको आप पोटली बनाकर यदि आप अपने धन के स्थान पर रखते हैं और इसमें 5 सिक्के भी डाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा और 1 महीने के अंदर आपको अपने घर में परिवर्तन जरूर मिलेगा। अब दूसरे उपाय की बात की जाए तो दोस्तों दूसरा उपाय बड़ा सुंदर है, जो कि नीम के वृक्ष में यदि आप हर शुक्रवार को कच्चा दूध डालते हैं तो ये भी आपके घर में धन की वृद्धि करने में इसको सामर्थ्य हासिल है। हर शुक्रवार को लक्ष्मी का इसमें ध्यान किया जाता है, त्रिवेणी में भी नीम को पूजा जाता है, तो यदि आप हर शुक्रवार को स्नान करने के बाद कच्चा दूध लेकर आप नीम के वृक्ष की जड़ों में डालते हैं और माँ लक्ष्मी से आवाहन करते हैं, तो आपके घर में धन की वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी, धन रुकना प्रारंभ हो जाएगा। अब तीसरे उपाय की अगर दोस्तों बात की जाए तो केले का वृक्ष हम अक्सर पूजते हैं, लेकिन इसकी जड़ मुखराज का भी काम करती है और हमारे जीवन में धन की व्यवस्था को सुधारने भी अहम भूमिका निभाती है। यदि आप शुक्रवार के दिन केले की जड़ को सेम प्रोसेस गंगा जल, दूध और पंचामृत से स्नान करवा के, शुद्ध जल से स्नान करवा के, यदि आप इसको पीले कपड़े में या लाल कपड़े में बांधकर, ज्यादा बेहतर पीले कपड़े में रहेगा, इसको बांधकर 7 हल्दी की गांठ रख के और 5 सुपारी और 7 सिक्के, समा जाऊंगा 8 सिक्के, 1-1 के आप इसके अंदर रखकर इसकी पोटली बनाकर अपने घर में जहां धन को एकत्रित करते हैं, तो अगर वहां पर आप रखते हैं तो इससे आपके जीवन में परिवर्तन मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप करेंगे तो आपको इसका रिजल्ट खुद महसूस होगा और फिर आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके जीवन में ये सब उपाय करने से कितना परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं। एक बार करना है, शुक्रवार को अभिजीत मुहूर्त या कोई अच्छा मुहूर्त देख लीजिएगा, तो इस प्रोसेस को कीजिएगा, आपके जीवन में बड़ा सुंदर परिवर्तन आप देखेंगे और बताएंगे भी, और लोगों को भी आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कॉमेंट में उपाय कैसे लगा जरूर बताइएगा, जय गौ माता की जरूर लिखिएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा, जरूरतमंदों की मदद कीजिएगा, गौ माता की सेवा कीजिएगा। और दोस्तों सर्दी का मौसम है, आपके पास अननेसेसरी कपड़े रखे हो तो आप जरूरतमंद को जरूर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन देने का जो सामर्थ्य नहीं है, जिनके पास भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है, चाहे वो जीव बेजुबान जीव हो चाहे वो इंसान हो, क्योंकि सर्दी में पेट में दोस्तों जब तक भोजन नहीं जाता है तो सर्दी को कम करने में या सर्दी को रोकने में सामर्थ्य कोई भी नहीं है, तो ये आप उनको सपोर्ट जरूर करिएगा। और जय गौ माता की, जय भारत माता की। आज का हमारा ये छोटा सा वीडियो यहीं पर विराम लेता है, फिर नई किसी जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिएगा और माँ भगवती से प्रार्थना करिएगा, सबका भला करे, सबकी रक्षा करे, आप भी खुश रहिएगा। जय गौ माता।